हेलो हेलो एवरीवन, अनबोर्डिंग एकेडमी स्वागत। लाइक शेयर सब्सक्राइब। सारी कहानी आपको पता ही है, तो उसके लिए करंट अफेयर है। 8 तारीख का आज हम देखेंगे। इससे पहले 7 तारीख का मैं करा चुका हूँ। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 सब हो चुका है। ठीक है, वन बाय वन चलते हैं हम लोग। तो आज का करंट अफेयर फटाफट देख लेते हैं। 10 क्वेश्चन के लिए शुरू करते हैं। ठीक है, चलो। एरन फ्लिंच नाम के कौन है? क्रिकेटर है क्या? एरन फ्लिंच जो अभी हाल ही में जिन्होंने कहा कि भैया हम रिटायर हो रहे हैं क्रिकेट से, वो किस देश के लिए खेलते थे? एरन फ्लिंच साहब किस देश के लिए खेलते थे? एरन फ्लिंच, ये देख लो आप, ये ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते थे। T20 में कप्तानी भी किया है और बहुत धुआंधार कप्तान थे ये। चलिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द वेदांता CEO? वेदांता बहुत बड़ी सी कंपनी है, अल्मोनियम और माइनिंग का बेसिकली इनका काम है। ठीक है, तो इसका सेमीकंडक्टर की यूनिट जो है उसका जो है हेड किसको चुना गया है हाल ही में? तो उसका हेड चुना गया है वेदांता ग्रुप अनाउंस्ड अपॉइंटमेंट ऑफ डेविड रीड। ये फोटो है इनकी, इनको चुना गया है। सेमीकंडक्टर आजकल जो आपके फ़ोन हैं, जो आपके मोबाइल बैटरीज हैं या जो आपके कंप्यूटर हैं, इसमें सबका सब खेल यार दो चीज़ का है, सेमीकंडक्टर्स का है। सेमीकंडक्टर बनता है कैसे? रेयर अर्थ मेटल से बनता है। ठीक है, रेयर अर्थ मेटल नाम रेयर है लेकिन रेयर होता नहीं है, एक कहानी है। दूसरी कहानी है कि रेयर अर्थ मेटल चाइना में 95% दुनिया के रेयर अर्थ मेटल चाइना में पाया जाता है। डेट्स वाई मोबाइल फ़ोन CPU बोर्ड्स वगैरह, ये मदर बोर्ड्स हैं, ये सब बहुत चीप हैं चाइना में। ठीक है, बाकी देश के पास है ही नहीं, बनाएगा कैसे? नेम द गूगल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का चैटबोर्ड बना है। चैटबोर्ड का मतलब क्या हो गया? चैटबोर्ड का मतलब जैसे आपने हो सकता है किसी ने यूज़ किया हो, नहीं यूज़ किया हो तो आप यूज़ करना, एक है चैट जी पी टी। ठीक है, इसको आप यूज़ करना। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है सॉफ्टवेयर है। इसमें क्या होता है कि आप कुछ लिखो कि यार मेरे को एक एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है, कि आज जो है आज मेरे को छुट्टी चाहिए। ठीक है, तो आपके इन लैंग्वेज ऑफ शशि थरूर, ठीक है, शशि थरूर जैसे लिखता तो बिल्कुल डिफिकल्ट टाइप में, बिल्कुल बड़े बड़े लैंग्वेज जैगरन यूज़ करके वो लिख देगा। अगर आपको लिखना है कि मनमोहन सिंह कैसे जो है एक एप्लीकेशन लिखते, ठीक है, तो मनमोहन सिंह के स्टाइल में वो एप्लीकेशन लिख देगा। और एक भाषण अगर लिखना है आपको कि मोदी जी एक भाषण, मेरे को आज स्कूल में जाके एक भाषण देना है बच्चों को, तो मोदी जी अगर होते तो स्कूल में जाके कैसे भाषण दे रहे होते, तो वो भाषण भी लिख देगा। बहुत कमाल की चीज़ है, आप यूज़ करोगे मज़ा आएगा। ठीक है, तो उसी के कंपटीशन में गूगल ने एक इसी तरीके का सॉफ्टवेयर बनाया है, चैटबॉट है, उसको चैटबॉट कहते हैं। चैट मतलब बात करना, बॉट मतलब ऑटोमेटेड जो सॉफ्टवेयर है, रोबोटिक्स से बॉट आया है। ठीक है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है बार्ड, BARD। ये देख लो, मंडे को इन्होंने अनाउंस किया कि AI चैटबॉट बार्ड होगा। अभी कुछ लोग को अवेलेबल है ये, लेकिन आने वाले समय में ये ज़्यादातर लोगों को फ्री में मिल जाएगा। अंडर विच इनिशिएटिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 20,000 युवाओं को बोला है कि वो ट्रैवल करेंगे पूरे भारत में, और ताकि उनको क्रॉस कल्चरल लर्निंग सीख सके। यानी कि हमारा देश इतना बड़ा है, हर जगह में स्टेट में अलग अलग तरीके की लर्निंग का तरीका होता है। ठीक है, साउथ इंडिया का आर्मी का कल्चर अलग है, साउथ इंडिया का आर्मी नॉर्थ इंडिया आएगा तभी तो समझ पाएगा ना नॉर्थ इंडिया में क्या चल रहा है, नॉर्थ ईस्ट में कुछ कुछ चल रहा है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का आर्मी नॉर्थ में आएगा तभी तो समझ पाएगा ना, एक्सेप्टेंस बढ़ेगा इससे। नहीं तो हम क्या है, बाहर के लोगों को आके कहते हैं कि अरे यार साउथ वाले जो है समझते नहीं है हमको, आपसी भाईचारा की थोड़ा कमी है, समझ की कमी है। तो एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक इनिशिएटिव चालू किया कि अराउंड 20,000 लोग कहाँ से कहाँ तक ट्रैवल करेंगे, 20,000 लोग जो है युवा संगम, उस प्रोग्राम का नाम है युवा संगम। युवा संगम के प्रोग्राम के अंदर के तहत नरेंद्र मोदी जी ने क्या बनाया है कि क्लोज इंटरेक्शन रहेगा युवाओं का नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्ट का है आपके 7 सिस्टर स्टेट है। ठीक है, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, त्रिपुरा भी नीचे में है। ठीक है, यहाँ के लोग जो है बाकी भारत में ट्रैवल करेंगे और भारत को बेहतर तरीके से जानेंगे, इससे उनके मन में भी एक्सेप्टेबिलिटी भारत को लेके बढ़े और भारत के बाकी लोगों को लेके भारत के बाकी राज्यों को में भी उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़े। कौन सा प्रोग्राम है? युवा संगम। चलो, किसने चालू किया है पहला इंडियन अमेरिकन वुमेन जिसको अभी हार्वर्ड लॉ रिव्यू का हेड बनाया गया है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी बहुत ही रिप्यूटेड देश की दुनिया की यूनिवर्सिटी है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स में है ये। तो इसमें लॉ भी, अब यूनिवर्सिटी है तो लॉ भी एक सेक्शन हो गई। ठीक है, तो उस लॉ सेक्शन में ये निकालते हैं जर्नल जिसको कहते हैं हार्वर्ड लॉ रिव्यू। ऐसे हर उसमें जर्नल निकलता है ना, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, मतलब जो रिसर्च हो रही है अलग अलग फील्ड में, तो लॉ के फील्ड में जो रिसर्च हो रही है उनको रिव्यू करता है क्या, हार्वर्ड लॉ रिव्यू। ठीक है, इसकी इसकी हेड बनाई गई है अभी हाल ही में, इसकी हेड बनाई गई है, उनका नाम क्या है?
अप्सरा अय्यर, देख लीजिए हम मतलब अक्सर मैं कोशिश करता हूँ कि पीपीटी लेके आऊँ तो पीपीटी में फोटो भी उस इंसान की रहे ताकि कम से कम आपको एक जो आपकी पिक्चर बेस्ड मेमोरी है ना उसके ऊपर हम लोग काम करें और आपको बिल्कुल याद हो जाए, वो फौरन से क्लिक हो जाए, ठीक है कि सर ने ये तो पढ़ाया था तो और आपके एग्जाम में फटाफट आप निकाल ले जाओ। कौन सा ऐसा पहला म्यूनिसिपल बॉडीज है, सिविक बॉडीज है जिसने इशू किया ग्रीन बॉन्ड। ग्रीन बॉन्ड क्या होता है, चलिए देखिए थोड़ा सा मैं बॉन्ड की कहानी समझा देता हूँ आपको। बॉन्ड का मतलब क्या है कि जैसे अब कोई म्यूनिसिपलिटी है या भारत सरकार है या राज्य सरकार है, इनको पैसे की ज़रूरत है सड़क बनाने के लिए, हर चीज़ के लिए, ठीक है, तो ये लोग लोन लेते हैं। लोन लेने का बॉन्ड इशू करना इज़ अ वे ऑफ गेटिंग अ लोन, ठीक है। तो हम मान लो कि मैं कोई राज्य की सरकार हूँ, ठीक है, मैंने मेरे को 1,000 रुपये की ज़रूरत है, मैंने क्या किया 100-100 रुपये के 10 बॉन्ड बना के मार्केट में उतार दिया, कहा कि भैया ये ले लो, और ये होता है डिस्काउंटेड फेस वैल्यू के ऊपर। डिस्काउंटेड फेस वैल्यू की कहानी में मैं बता रहा हूँ कि 100 रुपये का ये बॉन्ड है, आप अगर आज ले लोगे तो आपको 90 रुपये का मिल जाएगा और 8 साल बाद आप इसको मेरे को वापस लेके आना, आपको मैं 100 रुपये पूरे दे दूंगा, ठीक है। तो देने वाले को फायदा हो गया कि भैया इतने समय में मेरे को 90 लगा रहा हूँ और कुछ समय बाद मेरे को 100 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। इसको कहते हैं डिस्काउंटेड फेस वैल्यू, बॉन्ड्स इशू होते हैं डिस्काउंटेड फेस वैल्यू के ऊपर, ठीक है। तो ग्रीन बॉन्ड की क्या कहानी है, आप जैसे मान लो कि मैं कोई कहीं जगह का मतलब किसी कोई सरकार का आदमी हूँ, ठीक है, तो मेरे को क्या है ग्रीन प्रोजेक्ट बनाने हैं, सोलर पावर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बेस एनर्जी जनरेट करना है, ठीक है, जिसमें प्रदूषण कम है, वो ग्रीन बॉन्ड है, ठीक है। तो उस प्रोजेक्ट के लिए मेरे को पैसे चाहिए, तो मैं क्या इशू करूंगा, बॉन्ड के साथ बोल लूंगा कि भैया एक ग्रीन बॉन्ड है ना, इस पैसे से जो आएगा, इस बॉन्ड को बेचने से जो पैसा आएगा वो मैं ऐसे प्रोजेक्ट में लगाऊंगा जो हरियाली को, इकोसिस्टम को, एनवायरनमेंट को नुकसानदेह नहीं होंगे। तो कौन सी ऐसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है जिसने ग्रीन बॉन्ड लॉन्च किया है, उम्मीद है ग्रीन बॉन्ड आपको समझ में आ गया होगा और बॉन्ड की कहानी भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इंदौर की सरकार है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, उसने इंदौर जो है स्वच्छता भारत अभियान की जो रेटिंग होती है उसमें भी सबसे टॉप पे रहता है। तो उसने क्या कहा है कि 60 मेगावाट प्रोजेक्ट का, मेगावाट कैपेसिटी का हमको एक सोलर सिस्टम लगाना है, सोलर पावर, तो उसके लिए हमको पैसा चाहिए, तो हम ग्रीन बॉन्ड बना के मार्केट में उतार दे रहे हैं, आपको खरीद लो इसको और हमको भी चलो। जनरल परवेज मुशर्रफ, बहुत फेमस नाम है, ठीक है, जो अभी हाल ही में मर गए, वो दुबई में भाग के चले गए थे, अपने पाकिस्तान से खदेड़ दिए गए थे, हरकत ऐसी करोगे बुरे काम का बुरा अंजाम, ठीक है। तो वो प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे, वो किस ईयर में राष्ट्रपति चुने गए थे, पहले मतलब राष्ट्रपति तो नाम के चुने गए थे, पहले वो मिलिट्री जनरल थे, ठीक है, उन्होंने कू कर दिया था, उन्होंने हड़प ली थी सत्ता को, किस साल में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया था, 2001 में, ठीक है, ये देख लीजिए ये फेस है उनका, जाने पहचाना सा चेहरा है। विच फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ नेपाल, नेपाल का हेड कोच किसको चुना गया है, नेपाल की भी एक टीम है, क्रिकेट की टीम है, ठीक है, तो उसका कोच भारतीय एक क्रिकेटर है, तो किसको चुना गया है, तो वो चुना गया है मोंटी देसाई को चुना गया है, ठीक है। इससे पहले कौन थे मनोज प्रभाकर, वो भी भारत के ही थे लेकिन उन्होंने रिजाइन कर दिया, तो अब मोंटी देसाई को चुना गया है वहाँ का कोच, ठीक है। हु इज द MD एंड CEO ऑफ मन्नापुरम फाइनेंस, मन्नापुरम फाइनेंस का कौन MD और CEO जिसको हाल ही में हुरून इंडिया अवार्ड दिया गया है, ठीक है, वो कौन सा है हुरून इंडिया अवार्ड किसको दिया गया है, तो दिया गया है CEO मन्नापुरम फाइनेंस के हेड, ये देख लीजिए उनका नाम है VP नंद कुमार जो कि मन्नापुरम फाइनेंस के हेड है, उनको मिला है क्या, कौन सा अवार्ड मिला है, हुरून इंडस्ट्री अचीवमेंट अवार्ड 2022, ठीक है, फोटो देख लीजिए, खुश है अवार्ड पाके, हंस मुस्कुरा रहे हैं, ठीक है। हाल ही में भारत ने 50 बसें दी है किस देश को, इकोनॉमिक असिस्टेंस स्कीम के तहत 50 बसें किस देश को दी है, तो हाल ही में भारत ने 50 बसें दी हैं श्रीलंका को, श्रीलंका को कब दी है, क्योंकि उनकी 75वीं एनिवर्सरी थी जो इंडिपेंडेंस की, तो उसमें भारत ने कहा कि चलो भैया हम तुमको कुछ इनाम दे देते हैं, तुम्हारा जन्मदिन का तोहफा दे देते हैं, ठीक है, तो हमने क्या किया, भारत वालों ने 50 बसें दे दी, ठीक है, और जो भारत के हाई कमिश्नर्स हैं, इंडियन हाई कमिश्नर, अच्छा इसकी कहानी भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, दो चीज़ें होती हैं, एक हाई कमिश्नर होता है और एक होता है एम्बेसडर, ठीक है, तो जितने वो कंट्रीज़ जितने वो कंट्रीज जो कभी ना कभी ब्रिटिश के कॉलोनी थे, तो वो जब अपने एम्बेसडर को वहाँ पे भेजते हैं
तो उनको एम्बेसडर नहीं कहते हैं, उनको क्या कहते हैं, हाई कमिश्नर, इंडियन हाई कमिश्नर कहते हैं, ठीक है। तो श्रीलंका भी एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वॉज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। तो हमारा जो एम्बेसडर है वहाँ पे उसका नाम होता है, जो उसको उसके टाइटल जो होता है इंडियन हाई कमिश्नर कहा जाता है। श्रीलंका में भेजा गया जो हमारे श्रीलंका के हाई कमिश्नर है वहाँ गोपाल बागले, उन्होंने 50 बसें दे दी, इसको दे दी। वहाँ के राष्ट्रपति जो हैं बड़ा खुश हो गए, रानिल विक्रम सिंघे, इससे पहले ये प्रधानमंत्री थे, अब राष्ट्रपति हो गए इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद में। श्रीलंका के इकोनॉमिक क्राइसिस में बहुत तगड़ा क्राइसिस था, गरीबी भुखमरी बहुत ज़्यादा छा गई थी, ठीक है। ये था 10 क्वेश्चन थे बेटा हम लोग के, ठीक है। 8 फरवरी का करंट अफेयर था, ठीक है, उम्मीद है आपको ठीक लगा होगा, ठीक है, इन्फॉर्मेटिव ही होता है, ठीक है। जो एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हो आप, कोई भी कोई ना कोई एग्ज़ाम चलता ही रहता है यार, तो करंट अफेयर तो एड्रेस करना ही करना है, ठीक है। तो आप रोज़ वीडियो देखते रहोगे तो आपका मामला हल हो जाएगा, ठीक है। डेली 10 क्वेश्चन एड्रेस करना होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम लोग भी मोटिवेटेड रहें और थोड़ा बहुत इसी तरीके की वीडियो आपके लिए लाते रहें। थैंक यू सो मच।